कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई से भी आज सामने आई, जहां पर लोगों को काफी परेशानियां हुई। मुंबई में सड़क पर पानी भर गया, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा हाल मुंबई की कई सड़कों का देखने को मिला। इसके अलावा मुंबई वालों के लिए एक और मुसीबत यह रही कि मोनो रेल बीच रास्ते में ही खराब हो गई। वडाला चेंबूर रूट पर चलने वाली मोनो रेल 4 घंटे तक इसी तरह से हवा में लटकी रही। तकनीकी खराबी होने की वजह से मोनो रेल सुबह 6 बजे रुकी और 10 बजे तक उसे ठीक करने की तमाम कोशिशें की गई। 10 बजे एक बार फिर से मोनो रेल चलनी शुरू हुई। ये देखिए, इस तरह से मोनो रेल के लिए जो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज पर अटकी रही मोनो रेल 4 घंटे तक। इसे ठीक करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ये देखिए, इस तरह से मोनो रेल के लिए जो ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज पर अटकी रही मोनो रेल 4 घंटे तक। इसे ठीक करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार 10 बजे मोनो रेल एक बार फिर से चलनी शुरू हुई। दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों का हाल आप देख रहे हैं। मुंबई के सड़कों पर कई जगह पानी भर जाने की वजह से आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं।